आखिरी के कुछ कुछ पल है दहेज वाटरफॉल से पहले। देखो रास्ते, देखो कैसे हो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मुझे भी बहुत मन कर रहा था राइड करने का, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम राइड नहीं कर सकते थे। ये पहली राइड होगी इस पर, टेंट भी लेके जा रहे हैं। और कल बारिश हुई थी, 15 दिन से कुछ बारिश नहीं है। आज की डेट है कुछ तो 9 या 10 ऑफ जुलाई 2021। 5-6 लोग हैं, मज़ा आने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद राइड है और नई बाइक पर राइड है, तो सुपर एक्साइटेड। तो बाकी लोग आते हैं, मैं आपसे मिलाता हूँ, और डेस्टिनेशन कहाँ है वो भी आपको मैं तुरंत बताता हूँ। ओ भाई, मेरी बाइक का ऐसा मतलब यार, क्या है ये मारेंगे भाई। बहुत वक्त बाद 1, 2, 3, 4 और वो पाँच सॉरी ये भी है। रायन फजल भाई, निशान डोमिनार, इलियास अपाचे और अपने सीबी, और वो भी डोमिनर अपाचे आरआर 310 सब है। तो जा रहे हैं हम लोग भरूच की ओर। डेस्टिनेशन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, टेंट्स वेंट्स ले लिए, बाइक सब रेडी है, पेट्रोल सिर्फ फिलअप करवाना है, जोश बरकरार है। नहीं बात है इसके, क्यों नहीं पहन पाता, कंटिन्यू रखना ना भाई ने नया हेलमेट लिया था, भाई का सर नहीं घुस रहे, तो ऑयल ऑयल लगा के घुसाओ जरा, कुछ अच्छे से घुस जाए। बहुत टाइम पास हो गया, घर में बहुत है, बादल है, बट देखो क्या हो रहा है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब सेट, कामरेज से जाने वाले हैं। भाई गियर में से न्यूट्रल में कर बे, होएगी इसने चालू करी है। ओ भाई फाइनली, बाइक ने तो भाई शुरुआत में ही धक्के मरवा दिए, बैटरी नहीं है, अब चार्ज करनी पड़ेगी चला चला के। 700 हाँ, ये उधर अपना राजस्थान से। हाँ भाई, फुल कराया तूने? एक पॉइंट क्यों कम है? एकदम ऊपर तक, गले तक भरा, गले तक मैंने 700 का फिलअप कराया, फिर भी एक पॉइंट कम है। अपना तो अच्छा खासा रेंज है भाई, 15 लीटर की टाँकी है, अपना आराम से बहुत दूर तक जाके आ सकते। किंग लाइट्स भी चालू है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन है, बट ये पसीना कब बंद होगा समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते हम, बस ये जैकेट हेलमेट क्या करे भाई, राइडर बनना इतना आसान काम थोड़ी है। चलो भाई हाईवे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी फ़िलहाल हमको जाना है कोसंबा। पानी की बोतल, चाय भर दी, फिर स्टोव का सामान ले लिया, सब ले लिया। हालत ख़राब हो गई पसीने से, ये भाई की हालत देखो, वो भाई की हालत देखो, सबकी हालत ख़राब है। ये रास्ते पे नीनाई फॉल, वाटर धूमकल, दहेज वाटरफॉल, ये सब ये रास्ते पे आता है। अगर जूनाराज जाना हो तो वो नेत्रंग से लेफ्ट लेके ना, जूनाराज वगैरह वगैरह, राजपिपला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब यहाँ से इधर से लेफ्ट से आ जाएगा भाई। और ये कितना कचरा है यार, ये देखो कितना कचरा है यार, लगता पूरा नेत्रंग का कचरा यहाँ फेंकते हैं लोग। बोलते अभी से थक गया भाई। सोया नहीं हूँ रात को, कोई यहाँ सो जाते, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, बीच में कहीं भी सो जाते है ना, सही ना, एकदम सही। मुझे तो यार चश्मे पहन के कुछ दिख नहीं रहे वैसे, बाकी क्लाइमेट एक नंबर है, बताने लायक जगह थी इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए डीएसएलआर निकाल के ना, बाकी अब तक गोप्रो ही चल रहा था,
110 किलोमीटर्स डन बिफोर दुमकल। आगे रोड कहाँ जाता है? आगे आगे जाता है नीनाई वाटरफॉल ना सब। अपने दहेल वाटरफॉल जा रहे हैं कैंपिंग करनी ना अपने को। वह नीनाई वाटरफॉल में पब्लिक बहुत ज़्यादा आता है, अपने कैंपिंग करेगा लोग अपने देखा करे क्या कर रहे क्या कर रहे हैं। नया लोगों के घरों में झांकना अपने को पसंद नहीं, मतलब कोई अपने घर में झांके वो अच्छा नहीं, वहाँ पे क्या कोई झांकने वाला ही नहीं है, बराबर है ओल्ड मॉन्क। सॉरी आका जॉन, किसके साथ लग रहा है खबर? तूने वो देखी सेक्रेट गेम्स देखी? ईशा भाई देखा? ईशा भाई रॉकी भाई लगता है भाई। ये चश्मा कहाँ से लिया आपने? रॉकी भाई हो गया। फाइनली भाई वही जगह पे और दुकान बड़ी कर दिया, क्या बात है भाई। तीसरी बार आए हम लोग यहाँ यही दुकान पे, सब पहचान हो गई हमारी। हाँ 2 साल बाद आए अपने भाई, 2019 के बाद 2021 में आज। यहाँ से भी 2 किलोमीटर महाराष्ट्र बॉर्डर लग जाएगा, फिर वो एक गाड़ी के अंदर 2500 लोग खड़े हो गए अंदर, ऊपर नीचे सब बैठे हो गए, वो वाला सीन आएगा, फिर अपना दहेल आ जाएगा। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे दुमकल में? हम ये करने हैं भाई, मजा मन तो कर रहा है नहा ले क्योंकि गर्मी इतनी है ना। तो ये है 2021 का दुमकल का सीन, 2 साल पहले जो आए थे उससे पूरा अलग। हैंडपंप भी आ गया। हाँ भाई, पर यहाँ पे पानी से नहा के बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया। पसीना 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 पूरी राइड में, सिर्फ एक ही चीज़ है। जिसको ये डेस्टिनेशन वही लोग आ सकते हैं जिसको हम जिसको टेढ़े मेढ़े रास्ते पसंद है, ऐसे छोटे छोटे रास्ते जंगलों के बीच में से गुजरते हुए रास्ते पसंद हो, सिर्फ बाइक चलाना हो, जिसको बाइक चलाना पसंद हो तो ये जगह पर आ जाए। देखो क्या नज़ारा है यार उधर, ओपन लैंडस्केप आएगा वहाँ पर, मैं बताता हूँ। खूबसूरत वैली है, ये है डेढ़िया पाड़ा जो धूमकल से आगे इसी चीज़ के लिए हम आते हैं, और ग्रीनरी की वजह से 4 चांद लग गए इस जगह पे। फजल भाई पूरे थक चुके हैं रास्ते की वजह से, बाइक की वजह से, इनके एग्जॉस्ट की वजह से। और भाई ये लैंडस्केप देख के यार, स्विट्जरलैंड नहीं ये इंडिया है। इंडिया पर स्विट्जरलैंड में ठंडी है, यहाँ गर्मी बहुत है। क्यों? हाँ तू गया था। मैं एक 360 दिखा देता हूँ वहाँ से, देखने लायक है। देखो आखिरी के कुछ पल है दहेल वाटरफॉल से पहले, देखो रास्ते देखो। ओ भाई क्या है ये, भाई क्या है, फुल ऑन एडवेंचर होने वाला है आज। ओह शिट, ओह भाई कुछ ज़्यादा ही नीचे है।
भाई 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 डन 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 हो गया। फसल भाई अटक गए भाई, गंदा था पीछे का बैच का मैं रिकॉर्ड नहीं किया, जितना थोड़ा था वो रिकॉर्ड किया भाई, गंदा था। गंदा पैच है ये। जय जी आ रहे हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था जस्ट रिसेंटली, लैंडस्लाइड हुआ था। और पीछे तो क्या गंदा लैंडस्लाइड था यार, देख के ही फट गई थी। चलो अब डायरेक्ट टेंट जहाँ पर डालना है हमको वो पॉइंट पर मिलते हैं। पूरा एग्जॉस्ट हो गए, पूरे थक गए, टेंट खोलने में और थकान और एनर्जी जाएगा। तब तक के लिए भाई गुड बाय। फाइनली हमारी पॉइंट पर, टेंट वाली जगह पर पहुँच चुके हैं, वो है ये। बहुत थके हुए, वो वहाँ का रास्ता क्रॉस करना, ऊपर से सब सामान लेके ये पहाड़ के ऊपर तक आना, थोड़ा सांस फुला देते, थोड़ा रेस्ट करते, टेंट वेंट खुलते, 3-4 घंटे यहीं पे एंजॉय करेंगे। मैं जा खड़ा हूँ वहीं। इलियास कैसा है जगह? मस्त है ना। निशान दूसरी बार आके कैसा लग रहा है? जबरदस्त ना। फजल भाई अभी गए हैं 2 नंबर करने के लिए, अनस भाई आ रहे हैं टेंट लेके, और हमारे 2 भाई लोग ने सामान यहाँ पर बिछो दिया है। और अभी मेन आप जो है वो आपका बैग वहाँ पे छोड़ के आ गए? नहीं, मैं लेके आया हूँ, मैं सब अरेंज किया भाई। क्या अरेंज? ये सब अरेंज किया। पत्थर नहीं भाई, हेलमेट, पावर बैंक, मेरा चश्मा, मेरा कैप। जल्दी जल्दी में तो टाइम लैप्स लिया ही नहीं, पन ये देखो और हालत देखो। टेंट विद दिस व्यू, सब पैसा वसूल है यहाँ पे। चटाई वटाई बिछाओ, अब स्टाव वाव निकालते, मैगी वैगी बनाते, ये इस जगह को अब आनंद से एंजॉय करते हैं। वादियों में मैगी अलग है भाई, तो वो सुबह वाली टोस्ट भी लेकर आ गए। तब तक थोड़ा टाइम लैप्स आप एंजॉय करो, मैगी जैसे बनेगी बताते। मैं पहला टेस्ट कर रहा हूँ, कैसा है? नहीं क्या है ये? खाली नूडल्स, नूडल्स, खाली सिर्फ नूडल्स है भाई, ना नमक है, ना मिर्ची है, जीरा मसाला ना तीखापन है, कुछ भी नहीं है। घर में मांग, गरीबी में आटा गीला। अब यहाँ पे तो लद्दाख जैसा कोई बोर्ड नहीं है, तो हम लोगों ने पेड़ पे अपना हमारा स्टिकर छोटा चिपका दिया है। तो अब इस जगह को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। अब सबसे मेन काम है इसको बांधना और पैक करना, इतने थके हुए करना तो पड़ेगा। अपना टेंट घर लेके जाना है, वापस से कहीं और डालना है। इलियास मज़ा आया? मस्त, बहुत दिनों बाद ना कुछ अलग किया। अच्छा था लेकिन रास्ते बहुत खराब, रास्ते बहुत खराब। एक चीज़ नोटिस की है, महाराष्ट्र में प्लेसेस बहुत है बट रास्ते एकदम ही घटिया है। चलो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और दिन, किसी और तारीख को। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज। कैसा लग रहा है सर ऐसे वादियों में मैगी बना रहा है? गरम चाय है भाई, जल्दी पकड़। बहुत गरम चाय भाई, गरम गरम चाय भी। ओ भाई कब तो नरम नरम हो गए। ओ भाई मैं नीचे से पकड़। भाई क्या तो गरम चाय है, सुबह की चाय अभी तक गरम। ये थर्मस लो तो मिल्टन का ही लो। बहुत गरम लग रहा है भाई, थर्मस लो तो मिल्टन का लो। फसल क्या थर्मस लो तो मिल्टन का लो, मिल्टन का लो। सुबह की 10 बजे की चाय शाम के 6 बजे तक गरम, देखो गरम चाय।